ड्राइविंग, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, एसी टेक्नीशियन या एसी का कोई काम करता हो, तो इन लोगों को आप लोग जो है सऊदी रियाल में आपकी सैलरी कम से कम स्टार्ट होगी जो 1400 रियाल से लेकर के 1700 रियाल तक के बीच में होगी पहली बार आप अगर आप आते हो तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो हम आपसे बात करेंगे, हम पहली बार सऊदी, दुबई, गल्फ के किसी भी कंट्री में जाने की सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, हमारी सैलरी स्टार्ट में कितनी होगी, हमें पहली बार अगर हम जाते हैं किसी कंट्री में तो हमारी सैलरी क्या होगी। जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, पेंटर, टेक्नीशियन या फिर एसी का काम करता हो, मैं सिर्फ ये जॉब नॉर्मल जॉब के बारे में बता रहा हूँ, जो आम जॉब है, जो कि जितने 12th क्लास के, 10th क्लास के या जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इनको थोड़ा बेसिक मालूम है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ नॉर्मल जॉब। बाकी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं फिर वीडियो शुरू करता हूँ। 1, 2, 3। जावेद ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता हूं जो आपको यूट्यूब में कोई नहीं दिखाएगा सिवाय मेरे, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको कि आप सऊदी दुबई या किसी भी कंट्री में जाने की सोचते हो, इंडिया के हिसाब से और सरकार के हिसाब से 21 साल की एज के बाद ही आप जाओ, ठीक है? ये ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा 21 साल में क्या ना, आपका थोड़ा सेहत भी बन जाता है, थोड़ा खाना पीना खा करके आप थोड़ा हाइट भी ठीक ठाक कर लेते हो, आपका थोड़ा बॉडी वगैरह हेल्थ वगैरह अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या ना कि अगर हमें एजेंट भी देखता है, ऑफिस वाले भी देखते तो कहता है कि हाँ चलो ठीक ठाक है, फिट है, बंदा काम कर लेगा अच्छे से। अगर हम 18 साल की एज में जाते हैं तो पतले से रहते हैं एज। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 18 साल में पतले हो, लेकिन आप अपने आप को तंदुरुस्त करके रखो तो कहीं जाओ तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? 21 साल की एज में आप पासपोर्ट आपका बना हुआ है तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो 21 साल के बाद, 21 साल 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीने के बाद, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप सोच रहे हो कि हम सऊदी जाएं या गल्फ के किसी भी कंट्री में जाएं तो हमारी बेसिक सैलरी सबसे पहले क्या होनी चाहिए। आपकी कम से कम सैलरी किसी भी काम में आप जाओ, कोई भी काम जैसे ड्राइविंग, पेंटर, प्लम्बर, एसी का काम, ठीक है, या फिर हेल्पर के काम में भी आप जाते हो तो नॉर्मल हेल्पर का सैलरी कम से कम भी अगर आप जाते हो तो 22 से 25,000 तक के बीच में जाओ, ठीक है, कम से कम। और आप दूसरे, ये हेल्पर का बोला मैंने, बाकी ये जितनी भी जॉब है ऊपर मैंने बोला, आप ड्राइविंग, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, एसी टेक्नीशियन या एसी का कोई काम करता हो, तो इन लोगों को आप लोग जो है सऊदी रियाल में आपकी सैलरी कम से कम स्टार्ट होगी जो 1400 रियाल से लेकर के 1700 रियाल तक के बीच में होगी पहली बार आप अगर आप आते हो तो। एजेंट के थ्रू अगर आप आओगे तो आपकी सैलरी 1400 से 1500 से रहेगी, ठीक है, 1400 से 1500 के बीच में। अगर आप ऑफिस के थ्रू काम करा करके आते हो, अगर ऑफिस वाले को आप इंटरव्यू दोगे, आपसे पूछेगा आपने कितना काम किया है, कितने साल आपकी एक्सपीरियंस है, आप अगर अपने बारे में सारा एक्सप्लेन करके उसको अच्छे से बताओगे, उसको दिखाओगे करके, वहाँ पे थोड़ा काम करके दिखाओगे, वहाँ पे टेस्ट होता है, 1000-1200 रुपया लगता है, तो टेस्ट करके दिखा के आपको एक रैंक दिया जाता है 70-80% जो भी परसेंटेज टाइप से, तो आपकी सैलरी अच्छी लगेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो फिक्स होगी, आपकी मेरे बोलने से ज़्यादा सैलरी भी हो सकती है अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। टेक्नीशियन जो पढ़े लिखे हैं, ITI किए हुए हैं या फिर कोई अच्छा सा जॉब जानते हैं या कंप्यूटर का नॉलेज जानते हैं, तो आप लोग ऑफिस बॉय में ट्राई करो, पहली बार आप ऑफिस बॉय में ट्राई करो या फिर सेल्स मैनिंग में ट्राई करो। ये सारी जॉब जितनी भी स्टैंडर्ड जॉब है, इन सब स्टैंडर्ड जॉबों का वीजा हर कोई नहीं देता है, आम आदमी वीजा, इन सब वीजा का कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि आम आदमी जो सिर्फ ड्राइवर या हेल्पर या फिर मजरा के काम में आदमी बुला देता है, आम आदमी, जैसे मैं आम आदमी हूँ, मैं तो खैर छोड़ दिया हूँ वीजा का चक्कर, मैंने छोड़ दिया है, काम खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आपको जो है ऑफिस में जाओ, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो ऑफिस का मैंने वीडियो डाला हुआ है, ये देख रहे हो आई बटन पे क्लिक करोगे आपको तो वहाँ पे आपको ऑफिस की वीडियो मिलेगी, या आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको ऑफिस की वीडियो मिलेगी। तो ऑफिस के थ्रू आप काम कराओ, इंटरव्यू देकर के आओ तो ज़्यादा सैलरी होगी। अब मैं बता देता हूँ कि बहुत बारी क्या होता है ना कि हम कंपनी में जाने की सोच लेते हैं और हमें एजेंट बोलता है कि आपकी सैलरी 1200 रियाल है लेकिन आप महीने का 2000 रियाल से ऊपर कमाओगे। कैसे भाई, कैसे कमाएंगे? ओवर टाइम करके। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि हम ओवर टाइम को इंक्लूड करके रखें लाइफ टाइम। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सैलरी पर ध्यान देना है कि आपकी सैलरी मान के चलो 1200 रियाल है तो इसमें मेरा फायदा बन रहा है, ओवर टाइम को साइड में रखो,
ओवर टाइम का भरोसा मत रखो। आपको बेसिक सैलरी अगर आपकी खाते खाने पीने के बाद सारा खर्च करने का सऊदी या दुबई के अंदर में बच रहा है, अच्छा पैसा 20,000-22,000 बच रहा है, तो आप उसको ओके कर दो। ओवर टाइम बीच में इंक्लूड मत करो। ओवर टाइम से कई बार क्या करते हैं ना, हमारे दिमाग में एजेंट लोग भर देते हैं, ऑफिस वाले भर देते हैं कि आप ओवर टाइम से बहुत पैसा कमा लोगे, आपके पास 5 घंटे की ड्यूटी है, ओवर टाइम ज्यादा करोगे 8 घंटा कर सकते हो, 10 घंटा कर सकते हो। ओवर टाइम परमानेंट नहीं होता। ओवर टाइम का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल के हटा दो। ओवर टाइम बाद में, परमानेंट ओवर टाइम नहीं होता। ओवर टाइम को साइड में करो। अगर मेरी 8 घंटे की ड्यूटी तो मेरी सैलरी क्या लग रही है, उस सैलरी पे आपको ध्यान देना है। ओवर टाइम को साइड में छोड़ देना, ओवर टाइम को इंक्लूड मत करना है। ओवर टाइम तो आपके ऊपर मर्जी करता है। अगर आप 10 घंटे काम करोगे, 10 घंटे आपकी हेवी ड्यूटी है, यहाँ पे मान के चलो लेबर का आप काम करते हो, हेवी ड्यूटी आपकी, तो आप 10 घंटे के बाद काम कर सकते हो। बॉडी को आराम भी चाहिए भाई, तबीयत तो खराब नहीं करनी, एक दिन तो काम करके खत्म नहीं करना है, एक ही दिन काम करना आपको, या रोजाना काम करना है। यहाँ पे ना छुट्टी का भी कोई सिस्टम नहीं है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, वो भी आपकी मर्जी पे, आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपको अलग से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है, समझ गए। सबसे पहले आपको यही मैं बता देता हूँ कि आप ओवर टाइम पे ध्यान मत दो, आप अपना बेसिक सैलरी पे ध्यान दो। और आप आने की सोचते हो तो अपने आप को सबसे पहले आने में पैसा लगता है, ऑफिस के थ्रू आप आओगे तो 30,000 से 40 से 45 से 50,000 के बीच में आप आ जाओगे। वीजा तो हमेशा साला फ्री होता है, ठीक है, वीजा तो पैसा होता ही, बट वीजा का जो प्रोसेस वगैरह सब होता है, बीच बीच में जो खड़े होते हैं ना, बीच बीच में दल्ले लोग खड़े होते हैं, उन लोगों का काम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एजेंट लोगों के थ्रू अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आप अपने आप को क्लियर कर लो कि मेरे को जिस काम में जा रहे हैं इस काम की बेसिक सैलरी क्या होगी, ठीक है। एसी का काम करते हो तो 1500 से 1800 के बीच में, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो पहली बार आप तो 1300 से 1600 के बीच में, एक्सपीरियंस होनी चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। ड्राइविंग में आते हो तो 1400 रियाल स्टार्टिंग है, कई कोई 1500 रियाल भी दे देता है कि जिसका नसीब, अगर नसीब उसका कूदा फाना रहता है ना, तो भाई 2000 सैलरी भी लेकर के आता पहली बार में। लोग ऐसे हैं जो आकर के काम करते हैं, ठीक है। अगर आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपको ऑफिस वाले एजेंट वाले बोलेंगे कि आपको खाना अपना बनाना होगा, ठीक है, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, 1200 या 1300 सैलरी होगी। अगर आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हो तो 2-4 घंटा रोजाना का ओवर टाइम का पैसा आपको अलग से उसमें होगा। तो कई बार ये क्या होता है ना कि रोजाना आप 2-4 घंटा ओवर टाइम करते रहो, मालूम पड़ता है कि हम महीने में 200 घंटे ओवर टाइम कर लिए, लेकिन हमारी सैलरी में से वो ओवर टाइम कट गया, 40 घंटे कट गए, 50 घंटे कट गए, तो वैसा ओवर टाइम करने का क्या फ़ायदा है। तो आपको मैंने बार बार ओवर टाइम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओवर टाइम का भरोसा सही नहीं होता है, क्योंकि हम ओवर टाइम के भरोसे हम सोच लेते हैं कि यार 1200 सैलरी है, रोजाना 4 घंटा काम कर लेंगे तो मान लो कि 5 रुपये के हिसाब से 20 रुपया हो गया, 30 दिन का 3 × 6 600 रुपया, मतलब 1800 रुपया हो गया, ठीक है। इसको हमको अलग से रखना है, ठीक है ना। प्लीज़ इस बारे में मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आकर के मैंने देखा है, रोते हुए देखा है, यार जावेद भाई मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ, ओवर टाइम के भरोसे मैं टाइम काट लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन ओवर टाइम यहाँ पे परमानेंट नहीं होता है। अगर ओवर टाइम होता है तो मेरा दिल खुश रहता है, ओवर टाइम नहीं होता तो भाई बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि सैलरी 1200 रियाल है, 900 रियाल है, 1000 रियाल है, इससे क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं उनकी सैलरी अच्छी है, 1200-1400 रुपया सैलरी स्टार्टिंग में ही मिलती है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है यहाँ पे बाहर में जो है ना, ठीक है। और हाँ, अगर आप दुबई जाते हो ना तो दुबई में कंपनी में ज़्यादातर दुबई में जो है ना 75% आपको खाना कंपनी की तरफ से मिलेगा, चाय नाश्ता खाना साबुन चादर तकिया सब धो करके मिलेगा, कंबल उम्बल सब धो के मिलेगा, कपड़ा भी धो के मिलेगा, ठीक है। ऐसा है दुबई में बहुत सारे, मैं भी था ना दुबई में तो मेरे को भी सब कुछ मिलता था, ठीक है। तो लेकिन मान के चलो कि जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटी मिलेगी तो वहाँ पे आपको सैलरी कम होगा, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनी कौन सी है, अलजाबर, नेस्मा, सऊदी, बिल्लादेन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहेगी ना, इन सब में सैलरी आपका कम रहेगा, लेकिन इनके पास ओवर टाइम का ऑप्शन रहता है, रोजाना इन लोगों को ओवर टाइम, क्योंकि इन लोगों के पास में टारगेट होता है कि भाई आपको इतना काम करना है, इतना काम करना है, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए होगे अच्छे से, अभी तक आपके पास में एक और डॉट होगा। डॉट क्या है, डॉट ये है कि जावेद भाई मेरे को कोई अपना रिलेशन वाला या कोई दोस्त या कोई भाई बाहर से वीजा भेज रहा है, जिस काम का वीजा भेज रहा है उस काम में मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो वीजा सही है या नहीं है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप लोग जाओ, अगर आपका अपना आदमी है, अच्छा है, आपका जान पहचान है, आप उससे बात करते हो, आप उसको समझते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, काम करा लो आप उनसे, ठीक है। तो आज मैं बस यही वीडियो में मैंने बताना था आपको कि यो क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप लोग वीडियो लाइक करो,
चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, आपके लिए मैंने यहाँ पे तीन वीडियो डाला है। तीनों वीडियो में से आपने जो वीडियो अब तक नहीं देखी है उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट डाल दीजिए नीचे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए।